वाली खबरों पर। आज देश कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है। जी हाँ, जिससे बचाव के लिए जनता कर्फ्यू की अपील देश के प्रधानमंत्री द्वारा करी गई थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लखनऊ समेत कई जिलों में 3 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। परंतु आज हमें इस जानलेवा संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए जितना गंभीर होने की आवश्यकता है, उतनी गंभीरता की कमी कहीं ना कहीं सड़कों और बाजारों में लगातार देखी जा सकती है, या ये कह लीजिए कि देखी जा रही है। हम में से कई लोग बेवजह या कौतूहलवश भी सड़कों पर या बाजारों में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में देश के लिए या देश की जनता के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी आप सभी से अपील करता है कि घरों से बाहर निकलने के लिए बहाने मत बनाइए। बहुत ही आवश्यकता हो तभी घर से निकलिए, और कोशिश करिए कि घर का एक व्यक्ति ही घर के बाहर जाकर आवश्यकता का सामान लेने के लिए बाहर निकले। पुलिस आपकी सेवा के लिए तत्पर है, परंतु हर समय या हर स्थान पर आपको रोकने के लिए पुलिस का मौजूद होना संभव नहीं है। आगे हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम परिक्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स का हाल, जहां से सेफ्टी मास्क और सैनिटाइजर लगभग गायब हो चुके हैं, और यदि किसी स्टोर में उपलब्ध भी हैं तो वो उनको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट कैमरामैन अतुल अग्रवाल के साथ, पवन त्रिपाठी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी, लखनऊ। तो भैया मास्क की क्या पोजीशन है भैया? मास्क जी, मास्क खत्म हो चुका है आपके यहाँ? तो ये देखिए, मास्क की जरूरत के समय पर यहाँ मेडिकल स्टोर पर मास्क खत्म हो चुके हैं। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजाजीपुरम के ई ब्लॉक मेन मार्केट से, यहाँ पर मार्केट में हम जिस दुकान में आए मास्क पूछे हैं, और हमें यहाँ ये जवाब मिलता है कि मास्क स्टॉक आउट हो चुके हैं, मास्क मौजूद नहीं है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में मौजूद हैं और आए हुए हैं दूसरी दुकान पर, दूसरे मेडिकल स्टोर पर। हम यहाँ पर देखेंगे सर, मास्क की क्या पोजीशन है सर आपके यहाँ पर? मास्क का क्या रेट है आपके यहाँ पर? 60 रुपये। सर, सरकार ने तो एक रेट डिसाइड किया हुआ है, 10 रुपये से ऊपर मास्क नहीं बिकेगा, तो आप लोग 60 रुपये का मास्क किस तरह से बेच रहे हैं सर? जी, मेरे को महंगा मिल रहा है, सरकार ने हमें प्रोवाइड करे तो मैं 10 रुपये का बेचूंगा। मतलब जब सरकार आपको 10 रुपये का प्रोवाइड करेगी तब आप जो है 10 रुपये का बेचेंगे, अदरवाइज आप 60 रुपये का बेचेंगे? मेरे को महंगा पीछे से मिल रहा है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बेचना है ना। तो आप देख रहे हैं कि सरकार के आदेशों का खुले आम किस तरह से सरकार की सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार ने एक रेट निर्धारित किया है, 10 रुपये से ऊपर मास्क नहीं बिक सकता है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है, मगर यहां पर खुले आम मास्क 60 रुपये का बेचा जा रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजाजीपुरम क्षेत्र में मास्क और सैनिटाइजर जो कि मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होने चाहिए, आखिर उनकी स्थिति यहाँ पर क्या है। हम आपको ले आए हैं राजाजीपुरम में स्थित इंदू मेडिकल स्टोर पर, और आइए जानते हैं यहाँ पर क्या है आखिर स्थिति मास्क और सैनिटाइजर की। सर नमस्कार। सर क्या स्थिति है आपके यहाँ, मास्क वगैरह अवेलेबल है आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं, सामान मिल नहीं रहा। अच्छा, ये सैनिटाइजर क्या स्थिति है? वो भी नहीं मिल रहा। सैनिटाइजर और मास्क दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रयास किए आपने, मतलब क्या मैं आपका? हम लोग का एजेंसी से सामान आता है, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई सामान नहीं। तो ये देखिए, जहाँ एक तरफ सरकारी फरमान जारी किया जाता है, केंद्र सरकार का आदेश आता है, और एक बार उनकी कीमतें निर्धारित होती है, 10 रुपये से ज्यादा का मास्क नहीं बिक सकता, और 100 रुपये की एक बॉटल होगी सैनिटाइजर की, पर इस आदेश के आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी मार्केट से मास्क और सैनिटाइजर गायब हो चुके हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर जो दुकानदार, उन्होंने बताया कि जब एजेंसी में बात कर रहे हैं माल मंगाने के लिए, तो एजेंसी में भी इनको एक ही जवाब दिया जा रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव।